हाय स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर सिक्कू। सो मैं आज लेके आया स्टूडेंट हेल्प सीरीज का पार्ट वन। सो जो कि है रीड आउट से, सो अपना पार्ट टू होएगा डिस्क्राइब अमेज से। सो वीडियो नू स्टार्ट करने तो पहला अपने चैनल नू सब्सक्राइब कर लियो एंड जो नोटिफिकेशन का बिल है उन्हें ऑन कर लियो। सो सब तो पहले अपन रीड आउट बारे गल करते हैं, स्कोरिंग बारे गल करांगे। जो रीड आउट की स्कोरिंग है वो स्पीकिंग के नाल नाल रीडिंग के विच भी शफलिंग होंगी है, जो इसकी स्कोरिंग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी जो रीड आउट की स्कोरिंग है रीडिंग वो ही डिपेंड करती है कि जे अपन रीडिंग के प्रॉब्लम आ रही है, जे अपने रीड आउट्स वधिया ने तो आप रीडिंग है जो ईजली क्लीयर कर लेंगे। सो अपन रीड आउट्स से बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ता जो अपन रीडिंग ईजली क्लीयर कर सकी। सो हुण आप फर्स्टली करेंगे रीड आउट्स की स्कोरिंग एंड पैरामीटर्स के उत्ते गल। जो रीड आउट की स्कोरिंग है वो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ है फ्लुएंसी। सो फ्लुएंसी के भी फाइव नंबरस होंगे ने। सो नैक्सट पार्ट आ जाएगा अपना प्रोनाउंसिएशन, जिसके कि फाइव नंबरस होंगे ने। सो नैक्सट आ जाएगा अपना पार्ट कंटेंट, जिसके भी फाइव नंबरस होंगे ने। मतलब ओवरऑल अपने 15 नंबर का रीड आउट्स होंगे। सो ये 15 नंबर के रीड आउट चो आप 13 या 14 जी ईजली स्कोर आप लैना चाहते हैं कि अपने 13 या 14 स्कोर हो, दैन अपनी स्पीकिंग की स्कोरिंग भी वधिया होगी, अपनी रीडिंग जो स्कोरिंग है वो भी बहुत वधिया जाएगी, क्योंकि रीडिंग अपनी ईजली क्लीयर हो जाएगी। सो वधिया स्कोर लई अपन सब तो पहला इसके स्कोरिंग पैरामीटर्स नू समझना पड़ेगा। मीन स्कोरिंग पैरामीटर मतलब फ्लुएंसी की होंदा, प्रोनाउंसिएशन व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज कंटेंट। सो इन चीज़ों अपन थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के बहुत सारे मिथ होंगे ने, लाइक कि फर्स्टली अपन जो फ्लुएंसी बारे गल करिए, स्टूडेंट्स के मिथ होंगे ने कि फ्लुएंसी कि जे आप बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीक करांगे तो अपनी फ्लुएंसी आएगी, जां आप लाउड स्पीक करांगे तो अपनी फ्लुएंसी वधिया होएगी, जां आप अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट यूज करांगे दैन अपनी जो स्कोरिंग है वो वधिया होएगी। बट इदा फ्लुएंसी नहीं होंगी, उस फ्लुएंसी अपनी डिपेंड करती है कोई अपनी रेपिटेशन ना हो, कोई हैजिटेशन ना हो, आप स्मूथ वे में स्पीक करिए एंड एफर्ट्स लैस स्पीक करिए। मतलब कि आप कोई एफर्ट्स ना लाइए कि आप ट्राई ना करिए कि आप इन ज़्यादा लाउड स्पीक करिए आप स्लो करन दा, जो अपना नैचुरल है जिथे आप कंफर्टेबल होकर स्पीक कर सकते हैं। तो जिदा मैं थोड़ा जो फ्लुएंसी चाहते हो कि फ्लुएंसी अपनी वधिया हो, फर्स्ट ध्यान रखो कि अपनी कोई रेपिटेशन ना हो, सैकेंड अपनी कोई हैजिटेशन ना हो, नैक्सट है कि आप किसी भी वर्ड्स में सैकेंड टाइम स्पीक ना करिए, थर्ड हैगा कि उन्होंने ज़्यादा लाउड या ज़्यादा फास्ट ना स्पीक करिए, मॉडरेट पीट से स्पीक करिए आप कि जिते आप कंफर्टेबल होकर स्पीक करते हैं। कई स्टूडेंट इन्ना के ज़्यादा फास्ट स्पीक करते हैं कि उन्होंने ब्रीथिंग साउंड बहुत ज़्यादा विच रिकॉर्ड होंगे ने, कि उदा ही उन्होंने सह चढ़ रहा हूँ, आराम नाल पता लग रहा हूँ कि स्टूडेंट बहुत एफर्ट्स ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीक कर रहा है, जिस नाल उनके ब्रीथिंग साउंड रिकॉर्ड हो रहे हैं। नैक्सट आ जाएगा कि अपनी प्रोनाउंसिएशन। सो मोस्टली स्टूडेंट्स की है जो प्रोनाउंसिएशन पर फोकस ही नहीं करते, उन्होंने कल्ली बस वन एम होंगे कि बस फ्लुएंसी फ्लुएंसी, बट प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनी स्कोरिंग फ्लुएंसी की उन्नी ही स्कोरिंग प्रोनाउंसिएशन की है। सो अपन प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस करना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन मीन होंगे कि अपने वर्ड्स को राइट प्रोनाउंस करना, जो अपने वर्ड्स ने जो अपने को कंटेंट दिता हुआ स्क्रीन पर उन्होंने अपना राइट वधिया वे नाल स्पीक करिए एंड क्लीयर स्पीक करिए, अंडरस्टैंड जो अपना कंप्यूटर का या पीयरसन का एलगोरिदम है कि ईजली अंडरस्टैंड कर ले कि आप किहड़े वर्ड स्पीक कर रहे हैं। सो ये तो होगी अपनी प्रोनाउंसिएशन। सो लास्ट से आ गया अपना कंटेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कंटेंट मीनस है कि जिन्हें भी अपन वर्ड्स दिते ने, मान लो 60 या 70 वर्ड्स दिते हुए ने रीड आउट, कि जे आप 70 तो 65 वर्ड स्पीक कर रहे हैं दैन वो अकॉर्डिंग अपन कंटेंट की स्कोरिंग दे देगा। जो आप 50% कंटेंट स्पीक कर रहे हैं 5 5 आउट ऑफ 5 जो अपन अकॉर्डिंग स्कोरिंग दे देगा वो। सो कंटेंट ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मिसटेक करते हैं कि एस या ई एस पर फोकस नहीं करते, कि जिदा जे स्टूडेंट्स दिता हुआ स्टूडेंट कला स्टूडेंट स्पीक करे, प्लेट दिता हुआ कला प्ले स्पीक करे, ना ईडी से फोकस नहीं करते। सो जी है कि स्टूडेंट्स डिफिकल्ट वर्ड्स में स्पीक करने का ट्राई करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स से ज़्यादा फोकस करते हैं, वो जेडे टू इज एज या इदा के ईजी वर्ड्स होंगे ने उन्होंने स्किप कर देंगे जो फास्ट स्पीक करते हैं। सो
चाहे तो आप स्टूडेंट्स डिफिकल्ट वर्ड नू रोंग कर रहे हैं, चाहे आप ईजी वर्ड छड़ रहे हैं, स्कोरिंग अपनी सेम ही कट होगी। सो मैं रिकमेंड करता कि तुसी ईजी वर्ड्स से ज़्यादा फोकस करया करो। जिहड़े डिफिकल्ट वर्ड्स ने जिदा कोई दो चार अपन डिफिकल्ट या दो या तीन डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं, उन्होंने चो एक दो वर्ड्स नू स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो कंटेंट होंगे कि जो भी अपन ठीक है डिस्प्ले से जिन्ना भी टैक्सट दिता हुआ वो सारा कंटेंट है अपना। सो कंटेंट के एस सी एस ई डी का आप ध्यान रखना। सो नैक्सट चीज़ आ जाएगी कि अपनी हाउ टू प्रिपेयर इट। जो रीड आउट्स अपने को डिस्प्ले से आएगा, अपने को 30 to 40 सैकेंड्स होंगे ने कि आप रीड आउट्स में प्रिपेयर करिए। सो रीड आउट्स की होंगे ने, सो उसके लिए आप स्क्रीन पर चलते हैं। सो उत्थे सारा कुछ देखेंगे कि किदा रीड आउट्स में आप प्रिपेयर करना एंड कि स्पीक करना। हाँ जी, आपको डिस्प्ले उपर इधर सारा रीड आउट शो हो रहा होगा। सो क्योंकि फर्स्टली अपन 40 सैकेंड्स मिलेंगे इन प्रिपेयर करने लिए, लाइक कि लुक जो तुम देख रहे हो ना कि फर्स्टली अपन 40 सैकेंड्स मिलेंगे इन सारे रीड आउट्स प्रिपेयर करने लिए। सो इन्ह 40 सैकेंड के आप कुछ कु चीज़ों का ध्यान रखना। जो आप इन्होंने 40 सैकेंड के रीड आउट्स प्रिपेयर कर रहे हो उदो आप ध्यान रखना कि एस सी एस का कुछ कु स्टूडेंट्स आ कि एस सी आई एस का ध्यान नहीं रखते, लाइक कि जिदा ये ईडी यूज किया गया वर्कड। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो फास्ट स्पीक करे वो कि वर्क इन कला वर्क स्पीक करे। सो इन चीज़ों का आप सारिया का ध्यान रखना कि ईडी स्पीक करना। नैक्सट आप ध्यान रखना कि कई बार की होंगे कि रीड आउट के बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन आ जाती है, सो जिद की होंगे कि अपना जो सह चढ़ जाएगा क्योंकि अपने जो बोलन अपनी प्रॉब्लम आएगी। सो उस लाइन के एंड बट हाउएवर जो इदा के वर्ड्स है जो आने उत्थे आप पॉज लै सकते हैं थोड़ा एक। सो अपन रिलैक्स होकर स्पीक कर सकते हैं, इदा फुल स्टॉप आ जाएगा या कॉमा आ जाएगा उत्थे आप थोड़ा पॉज लै सकते हैं, जो एंड वगैरह यूज किया हों उत्थे आप पॉज लै सकते हैं। तो थर्ड चीज़ आप ध्यान रखना कि जिते फुल स्टॉप एंड कॉमेज ने कि उत्थे आप थोड़ा थोड़ा पॉज लैना, जिते फुल स्टॉप या कॉमा होएगा उत्थे आप हल्का जहा पॉज लैना ज़्यादा नहीं गा। सो नैक्सट ध्यान रखना कि आप कई बार की होंगे कि रीड आउट जो आप प्रिपेयर करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स की करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम आ जो डिफिकल्ट वर्ड्स से ही स्पेंड कर देंगे ने, क्योंकि अपने को 40 सैकेंड्स होंगे ने। सो जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाएगा उन्होंने आप स्किप कर देंगे, वो आप टाइम वेस्ट नहीं करा, पहला आप इनू सारे प्रिपेयर कर लेंगे स्टार्टिंग तो लैके एंड तक। मेरे अकॉर्डिंग 20 to 25 सैकेंड के आप सारे रीड आउट्स आराम प्रिपेयर कर लेंगे। सो जो अपने को 25 सैकेंड के प्रिपेयर हो जाएगा उस तो बाद अपने को 15 सैकेंड्स हो गए। सो उन्हें 15 सैकेंड्स के आप देख लेंगे कि कड़े कि डिफिकल्ट वर्ड्स ने, सो उन्होंने आप स्पीक करने का ट्राई कर लेंगे। सो नैक्सट है कि जो ही अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होएगी, जो ही बार स्टार्ट होएगी, बार स्टार्ट होने के बाद आप 3 सैकेंड के अपना रीड आउट स्टार्ट करना है। इना जे 3 सैकेंड तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा दैन जो अपना माइक ऑटोमैटिक ही ऑफ हो जाएगा, दैन जो आप स्पीक कर रहे हैं उसका कोई बेनीफिट नहीं होगा, अपन कोई भी स्कोरिंग नहीं मिलेगी। सो आप ध्यान रखना कि आप 3 सैकेंड तो पहला पहला स्पीक करना इस। सो नैक्सट अपना आ जाएगा हाउ टू स्पीक इट कि आप हूँ स्पीक इदा करना। तो जो तो अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी उदू आप स्पीक करना। सो उदो आप ध्यान रखना कि इनू बहुत ज़्यादा लाउड नहीं स्पीक करना, सो मॉडरेट पेड से इनू स्पीक करना, ज़्यादा लाउड नहीं आप इनू स्पीक करेंगे। नैक्सट आ जाएगा कि ना इनू आप ज़्यादा फास्ट स्पीक करना ना ही ज़्यादा स्लो स्पीक करना, इन्ना ज़्यादा स्लो भी स्पीक नहीं करना कि अपने इदा लगे कि अपने एनर्जी लैस जाना लगे। सो आराम जे नाल थोड़ा कॉन्फिडेंस नाल स्पीक करना इन। सो उस तो बाद नैक्सट चीज़ आ जाएगी कि आपू अपनी पिच से भी ध्यान रखना पेगा। कई स्टूडेंट की करते हैं कि जो ईजी हों उदो तो फास्ट स्पीक करते हैं, बट जो डिफिकल्ट आ जाता उदो की है कि अपनी वॉल्यूम नू स्लो कर लेंगे ने। सो इदा नहीं, जिहड़ी वॉल्यूम च इहनू आप स्टार्ट करेंगे उही वॉल्यूम च आप इहदी एंडिंग करेंगे। सो नैक्सट हूँ आप इहदा देखते हैं एक्चुअल आंसर कि इहनू आप किद्दां स्पीक करना। सो इन आराम आप प्रिपेयर कर लिया फर्स्टली 40 सैकेंड, फिर अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होंगी है। सो इहनू आप स्पीक करना। Ever since I remembered, father woke up at 5:30 every morning, made us all breakfast and read newspaper. After that, he would go to work. He worked as a writer. It was a long time before I realized he did this for a living. Okay, Anji, ye apna answer hai. So, idda inu apna speak kar sakde ho. So, okay, thank you.